दोस्तों, अगर आप भी कपिल शर्मा शो के फैन हैं और आप इस शो को रेगुलर देख रहे हैं तो आपको आज की न्यूज सुनकर झटका लगने वाला है। तो अगर आप ये न्यूज खड़े होकर देख रहे हैं तो आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि आपको ये न्यूज सुनकर झटका जरूर लग सकता है। क्योंकि खबर आ रही है कि कपिल शर्मा शो से अर्चना पूरन सिंह की छुट्टी हो गई है। मतलब कि नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब अर्चना पूरन सिंह को भी टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा कपिल शर्मा शो को। तो चलिए, इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आखिर पूरा माजरा क्या है। देखिए, सोनी टीवी के मशहूर कॉमेडी सीरियल द कपिल शर्मा शो में अक्सर ही बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत के दिग्गज सेलेब्स बतौर अतिथि शामिल होते रहते हैं। वहीं शो के होस्ट कपिल शर्मा भी अपने चुटकुलों और मजाक के अंदाज से दर्शकों को खूब गुदगुदाते हैं। लेकिन हाल ही में द कपिल शर्मा शो में भोला फिल्म की स्टार कास्ट आई थी, जिसके साथ कपिल ने खूब मस्ती की। वहीं अब शो में इस हफ्ते एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे बतौर गेस्ट शामिल होने वाली है, जिसका एक प्रोमो वीडियो सामने आया है, जिससे पता चला कि अब शो की जज अर्चना पूरन सिंह की जगह एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे लेने वाली है। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि सोनाली बेंद्रे इंडियाज बेस्ट डांसर के नए सीजन को जल्द ही जज करने वाली हैं। और सोनाली बेंद्रे के साथ इस शो में आपको गीता कपूर और टेरेंस लुइस भी दिखाई देंगे एज ए जज। तो हाल ही में तीनों स्टार शो की प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो में पहुंचे, जिसका प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। प्रोमो में देखा जा सकता है कि कपिल शर्मा, सोनाली बेंद्रे, टेरेंस लुइस और गीता कपूर का शो में स्वागत करते हैं। और प्रोमो में कपिल शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सोनाली जी पहली बार हमारे शो में आई है, गीता मैम और टेरेंस सर का तो पास बना हुआ है हर महीने का। फिर कपिल सोनाली से कहते हैं, आप हमारे शो में इतना लेट क्यों आई हो? इस पर एक्ट्रेस कहती हैं कि आपने बुलाया ही नहीं था, जिसके जवाब में कपिल शर्मा कहते हैं कि अगर आप बुलाने पर आ जाती तो हम आपको कब का बुला लेते। उसके बाद कपिल शर्मा सोनाली बेंद्रे से आगे कहते हैं कि चूंकि आप पहली बार हमारे शो में आई हैं, तो आप क्या लेना पसंद करेंगी, चाय, कॉफी या फिर अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी? इस पे सोनाली बेंद्रे जवाब देते हुए कहती हैं कि मुझे चाय या कॉफी नहीं बल्कि अर्चना जी की कुर्सी चाहिए। सोनाली की इस बात पर अर्चना पूरन सिंह भी जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करती है और कहती है कि अरे तुम अपनी कुर्सी संभालो यार, मेरी कुर्सी के पीछे क्यों पड़े हो भला। मतलब कि मजाक के तौर पे भी अर्चना पूरन सिंह नहीं चाहती कि कोई उनकी कुर्सी को हथिया ले। लेकिन दोस्तों, अगर सोचा जाए कि सच में ही सोनाली बेंद्रे कहीं अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी को कब्जा ले तो फिर अर्चना पूरन सिंह का क्या होगा? दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।